अगोदर संपूर्ण ड्राफ्टिंग वकील किंवा कायदेशीर लढाई ही तुम्ही करत होता तीच आम्ही पुढे नेली. हे तुम्ही चुकला होता, तुम्ही चुकत होतात कुठेतरी, की तुम्ही काहीतरी घोळ केले होते. बघा तो विषय तुम्ही आता जे बोलताय ना ते ठीक आहे, जाऊ द्या ना, जाऊ द्या. सरकारला आता काय काम आहे? या मराठा समाजाने किंवा त्यांच्या आंदोलकांनी जी भूमिका घेतलेली आहे त्याच्यामुळे सरकारने गुडघे टेकलेले आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आता सरकार गेलं काय किंवा नाही गेलं काय, जालन्यामधल्या एका लहानशा खेड्यामध्ये, अंतर्वेल खेड्यामध्ये मनोज जरंगे पाटील नावाचे कार्यकर्ता उपोषणाला बसतो आणि त्याच्यापुढे इतके आमिष, इतके दबाव येऊन सुद्धा तो झुकत नाही, याचं कौतुक आहे या महाराष्ट्रात. सरकारने दिलेली वचनं किती पोकळीने फसवी होती. काल गेले ना सरकारचे प्रतिनिधी, एक आमदार गेले होते, एक मंत्री गेले होते जामनेरचे. काय झालं, आंदोलन संपलं का? उपोषणकर्त्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घेतलं का? नाही घेणार ते काय तुमच्या 50 खोक्याने विकले जाणारे लोक नाही आहेत, फाटके लोक आहेत, साधे गरीब फाटके लोक आहेत, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढतायत. ते तुमच्या 50 खोक्याच्या सरकारपुढे झुकणार. बावनकुळे म्हणजे सरकार नाही, पुढे बोला तुमचं काय काय झालं. चला चला आप बोलिये. बात ऐसी है कि हरीश साळवे एक बहुत बड़े लॉयर है, बिग लॉयर. हरीश साळवे की तीसरी शादी हो गई, उनका व्यक्तिगत प्रश्न है. बाद में हरीश साळवे जी ने लंदन में अपने दोस्तों को एक पार्टी दी, सेलिब्रेशन किया जोर शोर से. वहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग हाजिर थे, वो भी उनका व्यक्तिगत प्रश्न है. कौन क्या करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए. लेकिन उस पार्टी में ललित मोदी आए थे, कोई मोइन खान आया था जिसे यहाँ की ईडी ढूंढ रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हजारों करोड़ के मामले में. ललित मोदी को भी यहाँ की एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी ढूंढ रही है, उनको भगोड़ा घोषित किया है ललित मोदी जी को. उद्योगपति है बड़े यहाँ की, इसलिए मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मोदी जी इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारे ऊपर भी मोदी नाम से कोई अपमान किया, इसलिए हमारे राहुल गांधी की तरह हमारे ऊपर भी कोई खटला केस दाखिल करेंगे. बात यह है कि हरीश साळवे जी के उस पार्टी में ललित मोदी, मोइन खान जैसे लोग हाजिर थे जिनको यहाँ की एजेंसी ढूंढ रही. मैं मानता हूँ उनका व्यक्तिगत प्रश्न, लेकिन हरीश साळवे जी जो सरकार ने एक कमेटी गठित की है, वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर है, और उनके साथ ललित मोदी, मोइन खान, इनको सरकार ढूंढ रही है. मोदी जी उनको गर्दन पकड़कर लाने की बात यहाँ कर रहे हैं. भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, जिसने देश को लूटा है उनको नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं. वो उनके एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर के साथ चेयर्स कर रहे हैं, चेयर्स. नैतिकता का अगर मुद्दा आता है तो अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता ने बात करनी चाहिए, अमित शाह जी ने बात करनी चाहिए, जो हर बार उसने उनके राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले करते हैं, ईडी और सीबीआई लगाती है. लेकिन जिसके जिनको ईडी सीबीआई ढूंढ रही है वो आपके एक आदमी के साथ बैठे हो चीयर्स कर रही है. आप बताइए ईडी क्या करेंगे, सीबीआई क्या करेंगे, यही सवाल है. हमारा ना हरीश साळवे जी से कोई मतभेद है, झगड़े है, उनका प्रश्न है. उनकी शादी है, उनकी पार्टी है, उनका सेलिब्रेशन है. लेकिन आपके पार्टी में जो आए थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि मिस्टर साळवे जो है उनको सरकार ने अभी अभी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर अपॉइंट किया है. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन को. आप बताना चाहता हूँ मैं, लेकिन पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद को किया है मेंबर, खड़गे साहब को नहीं किया है.
हरी साळवी जो को किया है, वो लंदन में है, वो लंदन में रहते हैं और उनके साथ ललित मोदी मोइन खान बैठे हैं। तो सरकार ने किस प्रकार की ये कमेटी बनाई है इस देश के भविष्य सुधारने के लिए, लोकतंत्र के लिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और नैतिकता थोड़ी भी इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में बची हो तो ये दिल्ली वाला चेयर्स और लंदन वाला चेयर्स पार्टी जो है ललित मोदी और मोइन खान और ये सब, उसके ऊपर आकर वक्तव्य है। और क्या उसके बावजूद भी वन नेशन वन कमेटी, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में मिस्टर साळवी रहेंगे, आप उनको मान्यता देंगे? एक जनता के मन में सवाल है बस। और विशेष अधिवेशन आई भवानी जगजर म्हणजे 24 तास।